तो विलाज से फोटो भेजे अपना है? विसन भैया मुच्छी उच्छी उगा लिए हैं, पूरा अंग्रेज हो गए कपड़ा उपड़ा पहन के। और लिखा था कि पढ़ाई खत्म हो गई है। अरे भैया पढ़ाई खत्म हो गई है तो वापस आ जाओ, वहां क्या करत हो? और लिखा था कि आज हमारा जन्मदिन है, तो जाना था कि तुम्हारा जन्मदिन हमारा जन्मदिन है आज। और लिखा था कि हम ना ही आ सकत। अरे का है भैया, का है ना? कौन है भाई? भिशन का है, भिशन यहाँ नहीं रहते। भिशन कहाँ रहता है? नहीं भिशन यहाँ नहीं रहते, यहाँ तो किशन रहते। जहाँ भिशन रहते वहाँ तो किशन जा नहीं सकते। लेकिन ये का है? ये पिस्तौल है। पिस्तौल तो देखा था कि पिस्तौल है, लेकिन का है? तुम अगर भिशन को पकड़वा दो हम तुम्हें 1,00,000 रुपए इनाम देंगे। अरे 1,00,000 रुपया गवाह भाड़ में, हम तो भिशन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन तुम कौन है? दोस्त खूनी है, देखो डाकू है, चोर है। ये हमारे दोस्त के बारे में ऐसे मत बोलियो, खूनी है। देखो हम मार देंगे, हम बोले देते हैं तो। हाँ जौन दाढ़ी है तुम्हारे, ओका उखाड़ ले, हम दाढ़ी उखाड़ ले, उखाड़ गई। भीषण भीषण, अरे भीषण साहब, तुम लोग नाटक हो गया क्या? सब दाढ़ी निकल गई है। ये कौन है भाई? ये जॉनी है, मेरे ड्राइवर। अपन सबके ड्राइवर है। अच्छा। वो सामान लेकर ले आओ। ए भीषण, हम कहा करी, कौन समझ में नहीं हाथ, तुम एकदम से आएगा, हम क्या समझ में। तू एक काम कर। हाँ। तू वही कर जो हर जन्मदिन पे करता है। का? अपने हाथों से खाना खिला दे मुझे। जब लवो पिया नदिया से सोन मछरी, पिया सोन मछरी, पिया सोन मछरी, जब लवो पिया। अबे इडियट क्या कर रहा है, ये फोटो यहाँ क्यों लाया तू? ये मेम साहब दिया, बोला इधर लगाने के वास्ते। इसे फौरन अंदर रख। साहब एक बात बोलेगा, आज तुम्हारा दोस्त बहुत मूड में दिखता है, उसको बोलो ना तुम्हारी शादी हो गया, तुम्हारा एक बच्चापन है। पागल हो गया क्या? अगर मैंने उसे बता दिया कि चुपचाप जाके लंदन में शादी कर दी और मेरा बच्चा भी है, तो मेरा थोबड़ा फोड़ देगा जूता मार के। रख इसे अंदर। और उसको कोई दिन तो मालूम पड़ेगा ना। मैं पहले उसे बॉम्बे ले जाकर आराम से बिठा के समझाऊंगा, समझे? ये है कि नहीं? अच्छा हाँ भैया, तुम का ठुसुर ठुसुर करा था, बहुत अच्छा बात है। ले लो। बरसों की भूख मिटा दी तूने यार। अरे जाओ लावो पिया नदिया से। मैं सामान इस कैमरे में करता हूँ, तुम इसे बात में लगा। जाओ तो पिया सोना मचरी, जाओ लावो पिया नदिया। मजा आ गया सर। खाया खूब? तो मैं साथ दर गरम दिन को रोटी बना के हमारा सबको खिलाता है। अरे हमारा बस चले ना भैया, तो हम तो रोज ऐसा रोटी बना करके एक टोकरी में सजा करके बिशन को बिलाज तक देने चले जाएं। लेकिन सुना बिलाज बहुत दूर है, कोनो बस भी तो नहीं जाती ना हुआ। हाँ। तुम रोटी अच्छा बनाते सब। अरे ऐसे ऐसे थोड़ी ना बनता है। देखो भैया, दोस्ती का थोड़ा आटा लेते हैं, उसमें प्यार का पानी मिलाते हैं, फिर गूंथते हैं, फिर दिल के चूल्हे पर रख के उसको पकाते हैं, तब जा करके ऐसा रोटी बनता है। कोई मजाक है क्या? अभी तो अपना साहब तुमको 24 कलाक याद करता है। अरे 24 कलाक तुम झूठ बोलते हो, ये 24 कलाक क्या होता है? हम तो बचपन से लेकर के जवानी तक एक दूसरे की याद में बूढ़े हो गए, तुम 24 कलाक बोलते हो, ये झूठ बोलते हो तुम। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होता है ये? अपन का मुंह से निकल गया। अपन कोई तुम्हारा दोस्ती का मुकाबला थोड़ी करता है। मुकाबला कौन? पतंगबाजी का मुकाबला। पतंगबाजी से हमको याद आया, एक दिन भैया गांव में पतंगबाजी का मुकाबला हो गया। कहां हो गया? मुकाबला? हां बीच में मत बोलो। तो मुकाबला हो गया तो आसपास के गांव से बड़े बड़े तुर्रम खान आए। कौन आए? तुर्रम खान है। फिर देखो बीच में बोल रहे हो तुम। हाँ तो तुर्रम खान है, तो कहने लगे कहाँ है वो बिशन का दोस्त किशन, बोला साले को। तो बिशन का नाम सुनते ही हमारे बदन में आग लग गई। कहाँ लग गई? अभी हम नहीं बोलेगा। अरे कहाँ बोलेगा भाई? अरे बोलते बोलते तुम्हारे अंदर आग लग गई। हमारे बदन में आग। देखो फिर बीच में बोल दियो तुम आए। हाँ तो आग लग गई, तो हम कहा किए, ये बड़ा पतंग बनाया, उसके ऊपर बिशन का नाम लिख दिए, और लिख के जो हम उड़ाया है, और फिर जो हम अपेचा है तो सद्दी हाथ में आ गई मैदान साहब। ऐसा लगा कि आकाश में कोई झाड़ू फेर दिए है, बस एक पतंग रही हवा हमार बिशन की। कभी ऐसा जाए तो कभी ऐसा। बिशन इका मन की तरह इस कैमरे में भी तेरी तस्वीर बंद करना चाहता हूँ मैं। हाँ बीच में मत बोलो। लेकिन मैं जानता हूँ बचपन से तेरा पतंगबाजी का शौक अभी तक पूरा नहीं हुआ। हाँ। इसलिए मैं तेरे लिए विलायत से एक पतंग लाया। ए भाई ये है क्या? यही तो है वो विलायती पतंग। नहीं विलायती पता तो ठीक है, लेकिन ये है क्या? अरे ठहर जा अभी बताता हूँ तुझे। हाँ किशन झुक जा। हाँ
अरे झुक, अरे काहे झुक, अरे झुक, भागता चला जाता है, खाई में गिर जाएगा। अरे खाई में गिर गया, अरे गिर गया खाई में। अरे कहाँ गया? ओ पिसान, ऊपर देखो ना। तो सचमुच उड़ गया वहाँ। ये देखा विलायती पतंग का कमाल, देख चला तू। अरे तू देख क्या रहा, चल तुझे सिखाता हूँ। नहीं नहीं, ये शैतानी चक्कर है। अरे कोई शैतानी चक्कर नहीं यार, तू चल। ये, 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 मुझे हाथ मत लगाने दे। अरे पहले इसे तो उतार दे। अभी से उठा, उठा पकड़ के रख। ये पहन ले, उठा उठा लिया। हाँ अब चल जा। बिशन 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 कुछ नहीं, तू दोस्त है ना, जा। मैं दोस्त हूँ तेरा। हाँ संभाल, जा रहा हूँ। जा, मैं जा रहा हूँ। जा। अरे किशन, अरे उस तरफ नहीं। अरे ढूंढो उसको, किधर गया हो? कहा था तेज मत भागना। किशन किशन तू कहाँ है? अरे हम हिया है, हिया है। चल चल नीचे उतर। नीचे उतर। जॉनी शट अप जॉनी। चल बेसन, चल अंदर। उठा 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 उठा। दोस्ती का नाम लेता है। दोस्त दोस्त मैं थप्पड़ मारू मुंह के ऊपर तेरे, दोस्ती के लिए इतना नहीं कर सकता तू। चल अब जा। अरे चल ससुर के नाती, तेरी वजह से दोस्त की डांट पड़ी। चल। चल। दे, 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 दे। अरे, अरे सब। किशन किशन तू कहाँ है? अरे हम किशन मजा आया कि नहीं? हाँ। अरे बाप रे बाप, ये विलायती पतंग है विलायती। हाँ। ओ किशन देख 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 देख, मैं मत चली जाता मटकी भर के। तू तो है ना किशन, छोड़ दे मटकियां इनकी, नीचे चली का चला। आवत है ससुर के नाती की। स्कूल का काम करोगे कि नहीं? अबे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ नालायक। किशन ये मास्टर जी है ना? बेवकूफ, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। बहुत मारता था ना स्कूल में? अरे बचपन में हमका बहुत मारे रहा ससुरा, अब आई ठिकाने करी था। आ जाओ और मास्टर जी अपनी घड़िया लेके और वो मटकी वाली। अरे पकड़ेगी तो बहुत मारेगी वो। किशन आज हमारा जन्मदिन है, कुछ मांगेगा नहीं हमसे? अरे मांगा तो था, सुबह सुबह उठ के भगवान जी से कहा कि बिसनवा का भेज दे, तो भेज दिए ना। बाउल का मांगे? अपने दोस्त को कोई तोहफा भी नहीं देगा? अरे हमारी जान हाजिर है, तू मांगना वादा। देख भैया, हमरे जाने की बात छोड़कर और कुछ भी मांग ले, अगर मुकर गया तो मरद का बच्चा ना ही। वादा? हाँ हाँ वादा। देख मैं अपने जाने की बात नहीं कर रहा, मैं तुझे अपने साथ शहर ले जाने की बात कर रहा हूँ।